अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स इंग्लिश पीरियड एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 74, यूनिट नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज हेयर कट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पेज. मिस्टर समी, द ओनर ऑफ समी स्टाइल सैलून. मिस्टर समी जो कि मालिक था समी स्टाइल सैलून का, रैप्ड अ शीट अराउंड द नेक ऑफ दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा. तो उसने क्या किया कि उसके आसपास उसने एक शीट जो है वो रैप कर दी, जैसा कि हम यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि उसने इसको एक शीट से ढांप दिया. ये इसलिए की जाती है कि कटिंग जब की जाए तो बाल जो हैं वो आपके कपड़ों को ख़राब ना करें. The sheet covered his chest and arms and reached almost to the floor. मतलब जो शीट उसने रैप की थी या उसको दी थी, उसको कवर किया था, उसने उसकी चेस्ट को और उसके बाजुओं को और उसके साथ साथ वो इतनी लंबी थी कि वो तकरीबन फर्श तक पहुंच रही थी. It was a little grubby. वो थोड़ी सी गंदी थी. बट दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा डिड नॉट माइंड. लेकिन दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा ने बुरा ना मनाया. ही हैड मेड अप हिज माइंड. वो अपना जहन बना के आया था. मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड वन ऑफ द असिस्टेंट बारबर्स. बारबर नाई को कहते हैं या हजाम को. उसने इंस्ट्रक्ट किया, हदायत दी अपने असिस्टेंट जो उसके मददगार थे उनमें से एक को. द यंग असिस्टेंट स्क्रीड फॉरवर्ड. एक जो जवान असिस्टेंट था वो उसकी तरफ खौफजदा होकर बढ़ा. कैरिंग अ कॉम लिए हुए एक कंघी इन वन हैंड एक हाथ में, एंड क्लिकिंग अ शार्प पेयर ऑफ सीजर्स इन द अदर. और दूसरे हाथ में जो है वो बहुत तेज़ किस्म की सीजर्स या फिर कैंची लिए हुए. ही स्माइल्ड एज ही अप्रोच्ड. वो मुस्कुराया जैसे वो, मतलब जितना वो मुस्कुरा सकता था या जितनी उसकी अप्रोच थी या उसकी हिम्मत थी. एंड नॉडेड हिज हेड फ्राम साइड टू साइड. और उसने अपने सर को हिलाया जस्ट लाइक हिज बॉस, जैसे कि वो इसका बॉस हो. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा डिड नॉट से अ वर्ड. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा ने एक लफ्ज़ भी ना कहा. ही स्टार्टेड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर. सॉरी स्टेड. वो घूरता रहा अपना जो उसका अक्स था शीशे में उसको, वाइल द बारबर क्लिक्ड अवे एट द टॉप ऑफ हिज हेड. और जो बारबर था उसने उसके जो थे ना टॉप ऑफ हिज हेड, मतलब ये कि सर के ऊपर के जो बाल थे उनको काटना शुरू किया. बीड्स ऑफ स्वीट बिगेन टू ड्रिप फ्राम दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा नोज. और जो थे ना बीड्स, कतरे स्वीट पसीने के, बिगन टू ड्रिप, वो गिरना शुरू हुए फ्राम दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा नोज के, उसकी नाक से के ऊपर से पसीने के कतरे गिरना शुरू हुए. ही हैड बीन हॉट आउटसाइड द सैलून. बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी सैलून के बाहर. ही वाज हॉटर इनसाइड हिज ओवन लाइक रूम. और वो बाहर जो उसने गर्मी बर्दाश्त की थी, अंदर आके उससे ज़्यादा भी गर्मी थी, जैसे ओवन में गर्मी होती है या ओवन गर्म होता है. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और ये मामला उससे ज़्यादा बदतर था. मतलब ये कि बाहर की गर्मी से रूम की जो गर्मी थी या शॉप की वो बहुत ज़्यादा थी. मिस्टर समी हैड टक्ड हिम अप इन अ ब्लैंकेट. और उसने क्या किया था, मतलब ये यहाँ पे ब्लैंकेट तो नहीं है लेकिन जो उसने उसके ऊपर शीट दी थी वो इतनी गर्म थी जैसे कि कोई कंबल होता है. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा बिगेन टू नॉड. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा जो था, नॉड मतलब ये कि उसको तकरीबन नींद आ गई या वो सो गया. नॉट लाइक मिस्टर समी आर हिज असिस्टेंट हैड डन, बट आ स्लीपी नॉट.
ऐसे नहीं जैसे मिस्टर समी और इसके जो असिस्टेंट थे, लेकिन उनकी तरह नहीं, लेकिन स्लीपी नॉट। लेकिन उसने क्या किया कि अपना सर जो है वो इस तरह से नीचे झुकाया जैसे कि वो सो रहा है। एवरी टाइम हिज चिन फेल फॉरवर्ड ऑन टू हिज चेस्ट, और हर वक्त उसकी जो चिन थी जो ठोड़ी थी फेल फॉरवर्ड, वो गिरती फॉरवर्ड आगे की तरफ ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती तक। एंड द बार्बर योंक इट अपराइट, और वो उसको जो है वो पकड़ के तो दोबारा से बिल्कुल सीधा करता। बट दिस डिड नॉट वरी दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, लेकिन इसने उसको दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को परेशान या जो है वो गमज़दा ना किया उसकी इस हरकत ने। ही वाज टू हॉट एंड टायर्ड टू बॉदर, वो बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी उसको लग रही थी और साथ साथ वो बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस कर रहा था। ही सून फेल साउंडली असलीप, और वो जल्द ही गहरी नींद जो है वो सो गया। साउंडली इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीप, साउंडली जो है वो इस तरह की नींद के लिए बहुत जो है वो दुरुस्त अल्फाज हैं। बिकॉज क्योंकि दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा मेड एन ऑफुल साउंड, क्योंकि जब वो सोया तो उसने एक बहुत ऑफुल साउंड या अजीब व गरीब जो है वो आवाज़ जो है वो उसने निकालनी शुरू की। ही स्नोर्ड लाउडली, उसने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादाज आइज़ ओपन स्लीपली, उसकी जो आंखें थी वो नींद से बेदार हुई या उसने अपनी आंखें खोली। ही योंड एंड स्ट्रेचिज एंड देन रिमेंबर्ड वेयर ही वाज। ही योंड, वो तूलो अरज में मतलब उसने जो है वो फैला हुआ था या उसने अपने आसपास जो है वो देखा स्ट्रेचिज अपने फैलाव को, एंड देन रिमेंबर्ड, तब याद करने लगा वेयर ही वाज कि वो कहाँ था। He looked at himself in the mirror, उसने शीशे में अपने आप को देखा। He stared, वो घूरा। He blinked, वो उसने पलकें झपकि। He stared again, उसने दोबारा से घूरा। The reflection in the mirror was not one he recognized, जो reflection या अक्स था शीशे में वो उसको पहचान ना सका। It was not दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, ये दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा नहीं था, but some other man, बल्कि कोई और आदमी था। He raised one arm, उसने अपना एक बाजू उठाया। And winked, और एक आँख खोली जस्ट टू मेक श्योर, ये यकीन दहानी के लिए या फिर अपने आप को यकीन दिलाने के लिए, डेट द मैन इन द मिरर वाज हिमसेल्फ, के जो आदमी है शीशे में वो है। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा लीप्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वो अचानक से झटके से अपनी चेयर से उठा। एंड स्क्रीम्ड, और चीखा। ही पॉइंटेड एट द मैन इन द मिरर, उसने जो शीशे में आदमी जैसे ही अपने आप को देख के, ये देखें इसका मुंह खुला हुआ है, चीख रहा है, उसने पॉइंट आउट किया जो शीशे में आदमी था। एंड देन टर्न टू फेस मिस्टर समी, और तब उसने अपना चेहरा जो है वो मिस्टर समी की तरफ मोड़ा। हु वाज हरिंग टूवर्ड हिम, जो उसकी तरफ तेज़ी से आ रहे थे। वट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया, क्राइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा चिल्लाया, वेयर इज़ इट, ये क्या है। आई आस्क्ड यू ट्रिम माई बियर्ड नॉट शेव इट ऑफ, मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रिम करो, मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी सेट करो मेरी दाढ़ी, ना कि तुम सारी की सारी उसको शेव करके ख़त्म कर दो। बियर्ड शेविंग रिप्लाइड मिस्टर समी, मतलब ये कि दाढ़ी की जो शेविंग थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया मिस्टर समी। मिस्टर समी ने यूजिंग अ रेयर टू वर्ड सेंटेंसेस अगेन एंड नोडिंग हिज हेड फ्राम साइड टू साइड, ओके, मतलब ये कि दोबारा से उसने ये जो है रेर से अल्फाज बोले, और फिर उसने क्या किया कि अपना जो सर था वो झुका लिया फ्रॉम साइड टू साइड, ओके, उसने ओके कहा। देयर इज़ नथिंग ओके अबाउट इट, ये ओके नहीं है, क्राइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, वो चिल्लाया। स्ट्रोकिंग हिज स्मूथ चिन, अपनी जो उसकी स्मूथ चिन थी मतलब जिस पर से बाल ख़त्म हो गए थे उसको देखते हुए, ये उसको उस
पे हाथ फेरते हुए अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉलोड. बहुत आर्ग्यूमेंट मतलब ये कि उन दोनों के दरमियान में बहुत लंबा बहसो मुबाहिसा हुआ. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा इंसिस्टेड ऑन पेइंग लेस. अब दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा जो था वो इंसिस्ट कर रहा था, ज़ोर दे रहा था इस बात पे कि वो कम पे करेगा, लेस पे करेगा. क्योंकि बिकॉज़ मिस्टर समी हैड नॉट फॉलोड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मिस्टर समी ने उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया. मतलब ये कि जैसा उसने कहा था उसने उस तरह से उसको नहीं ट्रीट किया या उस तरह से उसका काम नहीं हुआ. ही कंप्लेंट डैट ही हैड कम इन टू द सैलोन एज दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा. उसने ये शिकायत की कि वो तुम्हारे सैलोन में आया था, नसीरुद्दीन पीरजादा था तब, एंड वाज लिविंग एज सम बॉडी एल्स, और जा रहा है किसी और आदमी के रूप में. मिस्टर समी वांटेड मोर मनी. मिस्टर समी चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलें. बिकॉज फॉर मोर हेयर, क्योंकि ज़्यादा बाल थे. हैड बीन रिमूव, जो कि उतारे गए फ्राम द कस्टमर्स हेड, जो कि कस्टमर के जो सर था. मतलब ये कि उसके बाल बहुत ज़्यादा थे जो कि उन्होंने रिमूव किए, तो वो चाहता था कि उसे ज़्यादा पैसे मिलें. फाइनली आखिरकार आफ्टर लॉन्ग डिबेट, एक लंबी बहस के बाद, अ वेरी अनहैप्पी दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा लेफ्ट द सैलून, जो बहुत नाखुश था दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा, उसने दुकान को छोड़ा. He forgot all about his vegetables. वो अपनी सब्जियों के बारे में बिल्कुल भूल गया. And headed towards the bus stand. और वो बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ. He mumbled. वो गड़बड़ा रहा था. Grumbled. बिखड़ा हुआ था, मतलब बिगड़ा हुआ था, मतलब बहुत गु़स्से में था. एंड कर्स्ड ऑल द वे देयर, और लान तान करता रहा तमाम रस्ते. मतलब ये कि जब वो वहाँ से आया, एक तो जो उसका हेयर कट हुआ था वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ था, क्योंकि सैलून वाले को वो समझा नहीं सका और उसको समझने में मसला हुआ. फिर उसका जो आर्ग्यूमेंट्स और जो डिबेट या बहस जो होती रही दुकानदार के साथ, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गु़स्से में था, गड़बड़ा रहा था, लान तान कर रहा था. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा जॉइंड द क्यू. उसने लाइन जो है उसको ज्वाइन किया, क्यू को ज्वाइन किया. एंड वेटेड फॉर हिज बस, और अपनी बस का इंतज़ार करने लगा. दैन तब एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, हु वाज आल्सो वेटिंग फॉर द बस, जो कि बस का ही इंतज़ार कर रही थी, टर्न टू हिम, उसकी तरफ मुड़ी. एंड स्पोक, और पूछा. यंग मैन, जवान आदमी, सेड द ओल्ड लेडी प्लेजेंटली, जो बूढ़ी औरत थी उसने खुशगवार अंदाज में उससे पूछा. आई लेफ्ट माई वॉच एट होम, मैं अपनी घड़ी घर भूल आई हूँ या छोड़ आई हूँ. वुड यू काइंडली टेल मी द टाइम, क्या तुम मेहरबानी करके मुझे टाइम बताओगे. सर्टनली सर्टनली, यकीनन यकीनन, सैड दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा. दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा ने कहा विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ. इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, और ये वक्त था सेलिब्रेशन का, या इस चीज़ को मनाने का, इंजॉय करने का. द ओल्ड लेडी गेव दानिश नसीरुद्दीन पीरजादा अ वेरी ऑड लुक. उसने बड़े अजीब सी नज़रों से उसे देखा. बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं थी. यंग मैन, जवान आदमी, यंग मैन, जवान आदमी, ही रिपीटेड, उसने दोहराया टू हिमसेल्फ, अपने आप, एज ही लेफ्ट द क्यू, जैसे ही उसने लाइन को छोड़ा. एंड ट्रोटेड होम स्टिल स्माइलिंग, और घर पहुँचने तक वो मुस्कुराता रहा. ये कहानी जो है वो लिखी है निकोलस हॉर्सबर्ग ने, और आज तक का लेसन यही था. कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के साथ दोबारा से नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.